हेलो गाइस, वेलकम टू आर चैनल केवी आयुष्मान क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन को वन शॉर्ट फॉर्मूला जो कि हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं कल, ठीक है। तो आज हम लोग इसी से सबसे नंबर वन टॉपिक मैथ्स का इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे ढेर सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं। और उसके बाद इसके अलावा हम लोग बोले तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के भी देखने वाले हैं, यानी इंटीग्रेशन इन वन शॉर्ट होने वाला है। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे रिवाइज होंगे और फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपके फॉर्मूला सारे रिवाइज होंगे, ठीक है। और 7 चैप्टर मैथ में है, 7 चैप्टर आपके पास केमिस्ट्री में है, 7 चैप्टर फिजिक्स में है, अप्रोक्सली मैं मान के चल रहा हूँ। जो कि फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स शायद 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा और रिविजन और टॉपिक के साथ। और केमिस्ट्री की बात करें तो एमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक शॉर्ट लेक्चर हम लोग लाने वाले हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग फॉर्मूला डिटेल में कर रहे होंगे, जो कि 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा या फिर 15 मिनट में भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली फॉर्मूला को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन देखने वाले हैं यहाँ पे वन शॉर्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन में कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए एफएक्स जीएक्स अगर है डिफरेंशिएशन, वो अगर जीएक्स है तो उसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वापस से फंक्शन आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन क्या होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोले तो, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, ठीक है। और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, जो इंटीग्रेशन है पीरियोडिक का वो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स एक हमारा फंक्शन है, ठीक, और साइन एक्स जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो देखिए अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास तो कॉस एक्स आता है, मान के चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस आ जाता है, हमारे पास इंटीग्रेशन साइन का क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार एक, देखिए बाई चांस यहाँ से यहाँ पे तो कॉस है एक क्या है फंक्शन, जो कॉस है हमारे पास वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो पीरियोडिक हो, ये चीज क्लियर होगा। जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो देख लेते हैं, कोई भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बेसिक, जो सबसे बेसिक ऑफ द बेसिक फॉर्मूला है ये यही है, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। देखिए x टू दी पावर n है तो जब हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन में क्या करते थे nx, ठीक है, nx और x टू दी पावर n माइनस वन करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा x x की पावर n प्लस वन, यानी जो ऊपर पावर है उसमें एक पावर एड कर दीजिए। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, जी हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन जब इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, यानी टू प्लस वन, एक्स टू दी पावर टू प्लस वन, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चिंदी चिंदी चीज है, तो ये सब आपको क्लियर होने चाहिए, और डिवाइड बाई टू प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा टू प्लस वन। तो मैं फालतू का इस लेक्चर को लंबा नहीं खींचना चाहता, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस इन सभी को इरेज कर देता हूं मैं। चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब देखिये वन बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो इसका जो फॉर्मूला है वन बाई ए वाला है, यानी हम लोग जब वन बाई ए, ठीक है, यानी वन बाई एक्स डी एक्स है तो एल एन एक्स करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, वन बाई एक्स डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। तो इसी से अगर एक पॉलिनोमियल यानी एक लीनियर फंक्शन, लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसको, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी हुई है, तो हम उसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके बाद ln के टर्म में पूरा इक्वेशन चले जाएगा, ठीक है, और ln के टर्म में पूरा इक्वेशन चले जाएगा। उसके बाद हम लोग जो अंदर दिया हुआ है, जो मोड फंक्शन के यानी ln के अंदर है, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है,
उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी बेसिकली आप बोले तो डिफरेंसिएशन का मतलब यहाँ पे आप कर दीजिए जो एक्स के साथ कोफिशियंट लगा उसको डिवाइड दे दीजिए, ये हो जाता है। तो देखिए 1 by AX + B dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्यों आया, इसकी वजह से आया, ये बेसिक फॉर्मूला। और e की पावर x का डिफरेंसिएशन हम लोग करते थे तो e की पावर x आता था, अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो भी वही आएगा। अब a की पावर x dx, ठीक है, a की पावर x ln a plus c, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे a की पावर x है, तो a की पावर x, ये जो e की पावर x वाला फॉर्मूला है ये भी यहीं से डिराइव हुआ, क्योंकि एक e की पावर x और डिवाइड बाई ln e करेंगे तो ln e का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर एक्स एल एन ए प्लस सी आ जाएगा। अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, याद रखिएगा डिफरेंसिएशन में प्लस कॉस एक्स आता है लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस साइन लगेगा। अब कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा कॉटेक्स माइनस कॉटेक्स प्लस सी, क्योंकि जब हम लोग करते थे तो वहां पे माइनस कोसेक्स स्क्वायर आता था कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, उल्टा जस्ट करना हमें। और देखिए सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक एक्स टेन एक्स आता था। इतना चीज क्लियर है आप सभी को, आई होप। अब बात करते हैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, जो टेन एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एलएन sec x plus c आता था, ln के अंदर sec x, mod basically इसलिए लगाया गया है क्योंकि ln की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, और cot x dx का करे तो ln sin x plus c, लेकिन जो tan x dx है वो क्या हो जाएगा ln sec x plus c, ठीक है, और sec x dx का, ठीक है, sec x dx का क्या हो जाएगा ln sec x plus tan x, ठीक है, और plus c, और इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहे तो ln tan pi by 4 plus x by 2 प्लस सी। ये जब पहले हम लोग पढ़ते थे, मतलब पहले के जो एनसीईआरटी बुक थे लगभग आज से 10 साल पहले के, तो उन सभी मतलब उसमें जो रहता था ये फॉर्मूला रिटर्न रहता था, लेकिन अब बेसिकली एनसीईआरटी में तो ये फॉर्मूला नहीं रिटर्न, लेकिन आप एक बार इसको गो थ्रू कीजिए ताकि आपको बोर्ड में हेल्पफुल हो सके। अब कॉसेक एक्स डी एक्स करें तो एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, याद रखिएगा, देखिए सेक एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा, ठीक है, और इसके टर्म में लिखना चाहे तो ln tan pi by 4 plus x by 2, और ln यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करेंगे तो ln cos x minus cot x plus c, या फिर ln tan x by 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं plus c। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1 by a square dx is equal to 1 by 2a ln a plus x divided by a minus x plus c, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 by a² - x² के इंटीग्रेशन dx का, ठीक है, तो 1 by 2a ln a + x / a - x + c, ठीक। और अगर इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाए तब क्या होगा, तो देखिए उल्टा कर दिया जाए तो 1 by 2a तो आएगा, फिर ln, ये जो है ये भी सब उल्टा हो जाएंगे, लेकिन एक चीज नीचे माइनस है तो ये उस बार ऊपर माइनस आ जाएगी, तो याद रखने के लिए आप इसको याद रखिए, और अगर इसको उल्टा कर दिया हम लोग तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा और साइन नीचे का ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर का नीचे। और ये बेसिक फॉर्मूला 1 by x² + a² dx = 1 by a tan inverse x / a + c, ठीक है। और देखिए जो सेकंड फॉर्मूला 1 by √a² - x² dx, ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो 1 by √a² - x² dx = sin inverse x / a होता है, ठीक है, और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो हमारे पास ln x को एज इट इज मतलब x सब में उतारेंगे, और उसके बाद ये प्लस में इसको जो नीचे वाला टर्म है यहाँ पे छाप दो, कट एंड पेस्ट करो, ठीक है, और जस्ट फिर सेकेंड में अगर प्लस का साइन है तो जस्ट वैसे ही ln x प्लस और इसको कट करो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक, इज इट क्लियर। अब बात करते हैं फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, देखिए a² - x² जहां भी दिखे, ठीक है, का अंडर रूट, तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे, x = a sin θ और a cos θ, ठीक, अगर आपको यहाँ पे प्लस दिखता है तो आप यहाँ पे a tan θ और a cot θ यूज कर सकते हैं। अगर x² - a² का अंडर रूट बोल रहा है इसका, यानी जस्ट उल्टा, तो साइन का उल्टा और कॉस का उल्टा आप यूज करेंगे, यानी sec थीटा और cosec थीटा। अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ यानी मतलब a² - x² और डिवाइड बाई a² + x² है, तो x² = a² cos 2θ अगर आप यूज करेंगे
तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस टर्म की। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ये होता है 1/√quadratic dx, तो इसका भी एक अलग इंटीग्रेशन होता है। और ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, इसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा एक बार, कैसे करते हैं फुल कॉन्सेप्ट रिविजन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1/√quadratic dx का कैसे करेंगे। तो यूज कंपोनेंट ऑफ स्क्वायर इन डेनोमिनेटर, जो कंपोनेंट है स्क्वायर का उसको यूज करना है। तो बेसिकली ये सभी पार्शियल फ्रैक्शन या कॉम्प्लीशन ऑफ स्क्वायर से भी इजिली हो जाएंगे, और इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैं फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे वन शॉर्ट करवाने वाला हूँ 15 से 20 मिनट में, तो बेसिकली मैं वन शॉर्ट करवाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे, तो देखिए एक्स बाय टू यहाँ पे लिख लिए, और इसको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कट एंड पेस्ट कीजिए, और ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको इसे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसे याद नहीं करना है, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज। आपको क्या करना है, बेसिकली जो ऊपर बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है इसको, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखिएगा, और उसी से यहाँ से प्रूफ कर लीजिएगा। कैसे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन यूज जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू यही आएगा। इज इट क्लियर, ये सभी क्लियर हो गए होंगे आपको। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स है, तो देखिए यहाँ पे जो जी एक्स है नीचे है, रेशनल टर्म में है ये, तो जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है, इसके वजह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। डिग्री ऑफ एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। और डिग्री ऑफ एफ एक्स अगर लेस देन हो डिग्री ऑफ जी एस, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, प्रॉपर, और ऊपर वाले को इम्प्रॉपर। ठीक, अब देखिए ये जो है ये एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो ये क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस मतलब डिवाइड बाई जी एक्स है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे किया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मान लेना है उस चीज को, और यहाँ से इजिली सॉल्व आउट हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एफ एक्स डॉट जी एक्स है यहाँ पे, मतलब एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एफ एक्स को फर्स्ट टर्म ले कि जी एक्स को फर्स्ट टर्म ले, इसके लिए एक होता है आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट रूल किस लिए डिफाइंड हुआ मैं आपको ये भी बतलाऊंगा, लेकिन पहले आप इसे देखिए, ये जो आपका आइलेट रूल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, आइलेट रूल। तो आइलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स, इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉग फंक्शन, ए का मतलब अलजेबरा फंक्शन, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए हम लोग फर्स्ट टर्म इधर से स्टार्ट करेंगे, जैसे किसी को फर्स्ट टर्म लेना हो, अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक दे रखा है इन्वर्स और दूसरा लॉग, तो हम लोग हमेशा इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और लॉग को दूसरा, क्योंकि देखिए जो इन्वर्स फंक्शन है उसका हम लोगों को डेरिवेटिव पता है, मतलब जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। लेकिन क्या आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इक्वेशन पता है, आपको कोई बोले साइन टू द पावर 2x का बताओ, मतलब साइन टू द पावर 6x का बताओ, तो आप साइन की पावर अगर 6 दे रखा है तो क्या आप इसका कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 की पावर x बोल दिया हो आपको, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए इसी तरह से डिफरेंशिएशन तो निकल ही जाता है, बहुत होगा, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है कुछ जगह सीमित रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बल्कि सीमित रहता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन का, एफ एक्स को बाहर रखेंगे फर्स्ट फंक्शन को और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन में, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स, ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स बाहर में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एफ एफ डैश ऑफ एक्स यानी डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स करना है फिर से, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे ई की पावर अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स दिया हो डी एक्स, तो हमेशा ये क्या होता है, ई की पावर एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होता है, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, बहुत जगह यूज होगा आपका।
और ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है आपका जेई मेन के लेवल का है, यानी जेई एडवांस में भी इसके कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं और जेई मेन में भी। तो देखिए e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें देखिए हम लोग इसको सेकेंड फंक्शन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो क्लियर होगा। अगले वीडियो हम लोग बेसिकली, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम लोगों ने 15 मिनट का बात किया था, तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और आने वाले वीडियो में, ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिफिनाइट इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो खैर टर्म वन में हो चुका है आपका, तो हम लोग देखने वाले को क्या चीज, हम लोग इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन आज देख चुके हैं, डिफिनाइट इंटीग्रेशन अगले बार देखने वाले हैं। तो आई होप यह वीडियो आप सभी को क्लियर हो रहा हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।